मेरे प्यारे दोस्तों, अब पढ़ने बैठते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर मन नहीं लगता। अब लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी किताबें होती हैं, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, उसको देख करके डर लग जाता है। तो आज जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको देने वाला हूँ। आप बोलोगे सर आप उसी चीज़ में लग गए फिर से, वो हमको मिरर मत दिखाओ, आईना मत दिखाओ, हम लोग आईने में अपनी शक्ल देखने से तो कभी कभी डरते हैं। कब? जब सच्चाई सामने हो रही होती है। तो रोज़ रोज़ के झंझटों से अच्छा है एक बार मेरी बात सुन लो, कॉन्सेप्ट पकड़ लो कि क्या है कॉन्सेप्ट, सिस्टमैटिक तरीके से बिना ध्यान भटकाए पढ़ाई करने का बढ़िया तरीका। तरीके बहुत सारे हैं और मैं रेगुलरली ये तरीके आपके पास लेकर के आते रहता हूँ, आप जानते हो इन चीज़ों को। और ये सिविल बींग्स चैनल का एक रीबर्थ हो रहा है अगस्त के महीने में। अब यहाँ पे मैं रेगुलरली आपके सामने वीडियोस लेकर के आते रहूँगा, आपको जो बात मेरी अच्छी लगे वो आप ले लो, बिल्कुल ले लो उस बात को और अपनी लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट करिए। मैं कौन हूँ? मैं आपका एक दोस्त हूँ, मेरा नाम है सागर डोडेजा, मैं एक XIES ऑफिसर भी हूँ और मैं सिर्फ तीन चीज़ों को लेकर लाइफ में पैशनेट हूँ, इंजीनियरिंग एंड देन प्रोडक्टिविटी एंड देन फाइनेंस, EP&F। अगर आपको ये EPF में से कुछ भी चीज़ सीखनी है मेरे से, रेगुलरली सीखनी है, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और अगली वीडियोस का भी वेट करिए जो फ्रिक्वेंटली आने वाली हैं। देखिए मेरे पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो कभी न्यू ईयर होता है, देखो मैं कैसे रिलेट करूंगा चीज़ों को, अभी देखना, अभी बड़े ध्यान से समझना। जब न्यू ईयर होता है हम लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि आज से मैं बर्गर नहीं खाऊंगा, मैं जंक फूड छोड़ दूंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। लेकिन फिर ध्यान से समझना, आपके अलग अलग रिजोल्यूशन होते हैं। तो अगर जब हम वो रिजोल्यूशन लेते हैं उसके बाद फिर एक दो महीने तक के सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन हम अपना रिजोल्यूशन तोड़ देते हैं और उसके बाद फिर हम गिल्ट में जी रहे होते हैं, हमारी गिल्टी फीलिंग हो जाती है। जब हम इस तरह के गिल्ट में जी रहे होते हैं तो फिर हमें लगता है कि शायद हम किसी काम में अच्छे हैं ही नहीं, फिर शायद हमें काम छोड़ देना चाहिए या फिर मैंने गलत रिजोल्यूशन ले लिया था, लेट्स गो ऑन विद अवर लाइफ, जैसी लाइफ चल रही थी चलने दो भैया। यही है सबकी स्टोरी, मेरी आपकी, मेरी भी एक टाइम पे ऐसी ही थी। क्या किया मैंने, बात समझना, ये चीज पढ़ाई में भी एप्लीकेबल है। जब कभी भी हमें पढ़ाई में मन न लगे, इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। इनमें से एक कारण ये होता है कि हम अपने लिए जो एक ऐसा टारगेट, ऐसा गोल सेट कर लेते हैं जो कि अचीवेबल नहीं होता है। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अगर आप टारगेट कर रहे हो कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज में फर्स्ट रैंक चाहिए तो आप ये टारगेट गलत कर रहे हो। नहीं, मैं पर डे गोल की बात कर रहा हूं। पर डे जितना हमारे पास आवर्स हैं, अगर हम उसके हिसाब से अपनी काबिलियत को देखते हुए गोल्स को सेट करें, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम डिफिकल्ट, ना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना ही बहुत कम डिफिकल्ट। अगर हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट गोल अपने लिए सेट करते हैं, एक ऐसा एक्सेप्शनल गोल क्रिएट करते हैं कि आज मैं 12-16-14 घंटे आज फोड़ फाड़ दूंगा और इतना 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 कंप्लीट कर लूंगा, और एट द एंड ऑफ द डे अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग उसमें हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस और आ जाते हैं टेंशन में। तो ऐसा गलत गोल किसने सेट किया? आपने। इसका भुगत कौन रहा है हर जाना? आप। इससे डिप्रेस कौन हो रहा है? आप। तो ऐसा काम कर क्यों रहे हो भैया? एज सिंपल एज दैट, ऐसा काम कर क्यों रहे हैं? हमें हमेशा एक ऐसा अचीवेबल गोल सेट करना होता है जिसको हम लोग अगर फॉलो करें तो हमें कंटिन्यूस रिवॉर्ड्स भी मिलना शुरू हो जाए। जैसे एग्जांपल, अगर हमने बोला कि हम बर्गर और या मान लो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे साल भर, तो rather than taking this kind of a resolution कि हम कोल्ड ड्रिंक साल भर नहीं पियेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हम over a period of time हफ्ते हफ्ते में हमारे कोल्ड ड्रिंक कंजम्पशन को रिड्यूस डाउन करते चले जाएंगे। इससे क्या होता है, जब हम छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो ऐसे में हमारे अंदर से मोटिवेशन आता है। फिर आप लोग ये बोलते हो कि सर मोटिवेशनल वीडियो से कुछ नहीं होता, मैं भी बोलता हूं मोटिवेशनल वीडियो से कुछ नहीं होता, और ये भी एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। मोटिवेशनल वीडियोस क्या करवाती है? मोटिवेशनल वीडियोस एक चलती हुई कार को और धक्का लगाने के लिए, जो आप लोग एस्फॉल्ट खेलते थे अपन लोग, और उसमें अभी भी आता होगा एस्फॉल्ट, जिसमें कि नाइट्रस बूस्ट मिलता था। तो मोटिवेशन इज लाइक अ नाइट्रस बूस्ट, जहां पे अगर हम लोग बहुत तेजी से ऑलरेडी चल रहे हैं, हमें और तेज चलना है, तो मोटिवेशन वो आपको एक पुश देता है। लेकिन एक बंद पड़ी कार को जिसमें कि ईंधन ही नहीं है, जिसमें फ्यूल ही नहीं है, आग ही नहीं है उसके अंदर, उसको मोटिवेशन क्या कर लेगा? उसको तो मैनुअली थोड़ा सा धक्का लगा कि थोड़ी दूर जाके बंद हो जाएगी। तो ये अंदर से जो आग डेवलप होती है ना, जो चलती रहती है, वो कैसे चलती है? वो तब चलती है जब मेरे प्यारे दोस्त आप कंटिन्यूअसली अपना एक अचीवेबल टारगेट हर रोज का सेट करते हो, और एक ऐसा टारगेट जो आप जानते हो कि ठीक है, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है खुद को कि उसने उतना कंप्लीट कर लिया तो मैं भी उतना ही कंप्लीट करूंगा। नहीं, आप जितना बेस्ट से बेस्ट कर सकते हो अपनी काबिलियत के हिसाब से आपने वो कंप्लीट किया, खुश होइए, अपने आपको रिवॉर्ड दीजिए, अगले दिन भी इसी तरीके का अचीवेबल टारगेट सेट करिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम कंसिस्टेंसी से ये चीज करते रहते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो फिर हम उस काम से पीछे नहीं हटते, क्योंकि पीछे हटने का जो मेजर रीजन होता है ना,
वो होता है कॉन्फिडेंस की कमी। हमें लगने लगता है हमारे अंदर डर आ जाता है, और जब किसी के अंदर डर आता है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो उस काम को नहीं करता है, और फिर वो इधर उधर उधर इधर जो है भटकता रहता है। जब हम इधर उधर भटकते रहते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि हम हमारे काम में और ज़्यादा जा नहीं पाते। जब हम अपने काम में नहीं जा पाते, जब हम इधर उधर भटकते हैं, तो हमारी लाइफ में जो हमारे गोल सेट होते हैं वो हम अचीव नहीं कर पाते। आगे चलते हुए होता ये है कि हम ऐसे बड़े बड़े गोल सेट ही नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि एक टाइम था जब मैं ये सोचता था कि मैं एक ऐसा एक्टर बनूंगा या फिर मैं एक ऐसा इंजीनियर बनूंगा, मेरा इतना पैकेज होगा, उतना पैकेज होगा। आगे चल के हमारे सारे सपनों को हम ध्वस्त कर देते हैं। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें होती हैं, बहुत धीरे धीरे करके होती हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आज से आप क्या करेंगे, एक अचीवेबल गोल सेट करेंगे। हर दिन का डेली टारगेट ऐसा होना चाहिए जो आप रेगुलरली अचीव करो, खुद को आप एक आगे बढ़ते हुए पाओ और खुद में कॉन्फिडेंस देखो। और अगर आप इस तरीके से काम करते हो, किसी में दम नहीं है कि आपको रोक सके। ऑन अ डेली बेसिस स्मॉल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड माय डियर, छोटे छोटे स्टेप्स चाहिए हमको। हमको एक बहुत बड़ा जंप एक दिन में क्रिएट ही नहीं करना है, ना ही हम कर सकते हैं। और जिस दिन हम वो जंप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, उस दिन हम डिमोटिवेट हो जाएंगे कि अरे यार मैं कर नहीं पाया। तो अपने आप से किसी को कंपेयर नहीं करना है। दूसरी चीज़, स्मॉल टारगेट सेट करने जो अचीवेबल हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं। बहुत ज़्यादा ईजी नहीं कि मुझे एक घंटा ही पढ़ना है, नहीं, आपके पास 10 घंटे हैं तो आप कोशिश करो ना 7 घंटे इफेक्टिव पढ़ने का। कोशिश करो 7 घंटे तक, 6 घंटे तक जाने का। एक ऐसा टारगेट लगाओ कि आज मुझे 100 ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, ये सारे के सारे 100 ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल लग रहे हैं मुझे, मैं कर सकता हूँ। 100 की जगह ऐसा नहीं कि आप 500-600 कर लो, कि जिस टाइम में आप 100 सोच रहे थे उसमें आप 500, देखो तो मैं कितना कर सकता हूँ, आप खुद को डिमोटिवेट कर दोगे। तो ये सब रहे पॉइंट्स आज की वीडियो के। और इस तरीके की वीडियोस के लिए सिविल बींग्स को मैं फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अभी एक मैसेज है, उस मैसेज को जरूर से देखिएगा। हमने एक डेवलप किया है इंडियन स्किल्स एकेडमी, यानी कि आपके लिए एक ऐसा ISO सर्टिफाइड और MCA रजिस्टर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्टर्ड, एक ऐसी एकेडमी जहाँ पे आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, स्किल्स डेवलप कर सकते हैं अपने, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये रही मेरी तरफ से आज की बात, और ये रहा आज का मैसेज। जो मैसेजेस होंगे वो हर रोज़ नोटिफिकेशंस मैसेजेस वो चेंज होते रहेंगे, तो कृपया करके वीडियो को एंड तक इन मैसेजेस के लिए ज़रूर देखिए, क्या पता कोई ऐसा मैसेज आपकी लाइफ बदल दे। जी हाँ, चलिए देखते हैं आज का मैसेज। हमने डेवलप किया है इंडियन स्किल्स एकेडमी आपके लिए। इंडियन स्किल्स एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हाईली अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन पे वर्क करता है। उसके साथ साथ हमारे फ्री वेबिनार्स भी होते हैं, और वेबिनार्स स्टार्ट होने वाले हैं। वेबिनार्स के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है जो इंटरैक्टिव नेचर के होते हैं, इन वेबिनार्स के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ नहीं, टेलीग्राम ऐप पे जाना है और आपको सर्च करना है इंडियन स्किल्स एकेडमी, और आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम का चैनल। उस टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन करेंगे, और जब कभी भी रेगुलरली वीकली बहुत बार इनफैक्ट इंग्लिश के, कभी वैदिक मैथ्स के, कभी योग के, कभी स्टॉक मार्केट के अलग अलग फ्री वेबिनार्स होंगे, और वो वेबिनार्स आप अटेंड कर सकते हैं। वो इंटरेक्टिव होंगे, उन वेबिनार्स में आप साइन अप कर सकते हैं। और यूट्यूब में जो वेबिनार्स होते हैं और वेबिनार्स जो हम लोग करते हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप जब वेबिनार अटेंड करोगे, आप जानोगे कि इंटरेक्टिव वेबिनार्स किसको कहते हैं, राइट? तो टेलीग्राम में अभी जाइए और ज्वाइन करिए इंडियन स्किल्स एकेडमी को। और साथ ही साथ हाँ, ऐप को भी डाउनलोड करना है आपको, जिसका नाम है इंडियन स्किल्स एकेडमी, जो कि पहले था स्टडी टू विन, अब हो चुका है MCA रजिस्टर्ड और ISO 9001, यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे रेटेड है, और इसमें हाईली अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन आपको दिया जाता है। तो इसको डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से। हमारी इतनी मेहनत के लिए 5 स्टार देना ज़रूर, थोड़ा सा 30 सेकंड लगेगा यार, 30 सेकंड लगेगा, 5 स्टार देना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। और इस तरह के जो लास्ट मैसेजेस आएंगे, इन सबका हर वीडियो में इंतजार जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।